बाहरी राज्य से एक अधिवक्ता सोलन के कोर्ट में पहुंच गया। इस दौरान वे कई अधिवक्ताओं से भी मिला, लेकिन जब सोलन के अधिवक्ताओं की इस बात की खबर लगी कि वे बाहरी राज्य से आया है, तो न्याय परिसर में खलबली मच गई और वे बाहरी राज्य से आए इस अधिवक्ता की खोजबीन करने लग गए। शुरुआत में उन्हें ये जानकारी मिली कि ये अधिवक्ता दिल्ली से आया है। ये सुनकर तो सभी अधिवक्ताओं के होश फाकता हो गए। जब तक वे इस अधिवक्ता की शिकायत करते, तब तक वे अपना काम खत्म कर पंचायत की तरफ निकल चुका था। बाद में जब इस बारे में प्रशासन को अवगत करवाया गया, तो उन्होंने इस अधिवक्ता को परमाणु में रोक लिया और इससे आवश्यक पूछताछ की गई। पुलिस ने इस व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अधिक जानकारी देते हुए SP सोलन अभिषेक यादव ने बताया कि ये व्यक्ति पंजाब से सोलन आया था। जब पुलिस को इस बात की खबर लगी, तो उसे जाते समय परमाणु में रोका गया और उसके पास के बारे में पूछा गया, तो पता लगा कि उसके पास हिमाचल का कोई पास नहीं है। वह पंजाब के पास पर सोलन में प्रवेश कर गया है। फिलहाल नियमों की उल्लंघना करने पर इस अधिवक्ता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। ये होशियारपुर का रहने वाला है और वह केस के सिलसिले में सोलन के न्यायालय में आया था। उन्होंने बताया कि अधिवक्ता को संस्थागत क्वारंटीन भी किया जा रहा है। ये एक मामला सामने आया है जिसमें एक वकील, जो कि अभी तक जो हमारी जानकारी एकत्रित हुई उस हिसाब से होशियारपुर पंजाब से ये सोलन कोर्ट में किसी कार्यवश आया था और उसके बाद ये यहाँ से वापस गया है। तो सूचना मिलने पर इसको जो है परमाणु बैरियर पर रोक के क्वारंटीन भी किया गया, उचित कार्रवाई इसके खिलाफ की जाएगी। और अब तक की छानबीन में जो पता चला है, इसके पास एक पास था पंजाब गवर्नमेंट द्वारा इशू। हम हर मामले की जांच कर रहे हैं इस पूरे मसले पे, जो भी फैक्ट्स हैं पास की भी और ये किस कार से आया था, और छानबीन करने के बाद जो भी उचित कार्रवाई होगी। होशियारपुर के अधिवक्ता की होशियारी पुलिस कर्मियों पर पड़ी भारी, क्योंकि अब जाँच होगी और बैरियर पर तैनात कर्मियों पर इस लापरवाही की गाज गिर सकती है। ये लापरवाही इसलिए मानी जा रही है क्योंकि पंजाब सरकार का पास यहाँ पर नहीं चलता है, तो ऐसे में उस पास पर अधिवक्ता को हिमाचल में आने की अनुमति कैसे मिली। अगर ये अधिवक्ता संक्रमित निकलता है, तो वे जिन अधिवक्ताओं से सोलन में मिला है उनके लिए भी संक्रमण का कारण बन सकता है। तो परमाणु पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिस पर उपायुक्त सोलन ने भी पुलिस अधिकारियों की क्लास ली है और उन्हें सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए कहा है, ताकि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा न हो।